उधर शाहिद हाकान अब्बासी की जीरे सदारत पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है, अजहर बताइए। जी, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास था जो कि खत्म हो गया है। इस इजलास में तफसीली तौर पर मुशावरत की गई है और सिफारिशात मुरतब की गई है पीडीएम के सरबराही इजलास के लिए जो कि कल इस्लामाबाद में हो रहा है। स्टीयरिंग कमेटी ने एक तो ये फैसला किया है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा और दूसरा असम्बली उसे इस्तीफे देने के हवाले से भी मामलात पर इतफाक कर लिया गया। स्टीयरिंग कमेटी में इस्तीफे कब दिए जाएंगे और लॉन्ग मार्च कब होगा, इस हवाले से हतमी फैसला पीडीएम की मरकजी लीडरशिप पर छोड़ दिया गया है। तमाम स्टीयरिंग कमेटी में जितनी भी जमातें शामिल थी उन्होंने इस बात पर इतफाक कर लिया कि ये दोनों इकदाम जो हैं वो उठाए जाएंगे। कल सिफारिशात मुरतब करके पेश की जाएंगी पीडीएम के सरबराही इजलास में जिसमें हतमी तौर पर मंजूरी दी जाएगी। शुक्रिया सर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।